ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आनंदीबेन ने आज से गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। गांधीनगर में राज्यपाल कमला बेनीवाल ने आनंदीबेन के साथ साथ 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। आनंदीबेन मोहम्मदभाई पटेल ईश्वर नामे सौगंध लव छू के शुभ मुहूर्त में 12:39 पर मोदी का गुजरात आनंदी का हो गया। मोदी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री रही आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अखंडता समर्थन आनंदीबेन के साथ 20 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। गांधीनगर के विशाल महात्मा मंदिर में देश के कई राज्यों के सीएम और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर मोदी छा गए। मोदी क्यों छाए रहे वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। शपथ ग्रहण से कुछ मिनट पहले मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के अलग अलग राज्यों के सीएम लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह स्टेज पर अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तभी अचानक हलचल हुई और मोदी अपनी सीट से खड़े होकर गेट की ओर बढ़े। गुजरात बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले केशुभाई पटेल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हॉल में दाखिल हो रहे थे। मोदी उनके पास गए, खुद सहारा देकर उनको स्टेज पर चढ़ाया, हाथ पकड़कर उन्हें बैठने वाली जगह तक ले आए। तब तक वहां मौजूद और नेताओं का ध्यान केशुभाई पटेल की ओर गया। लाल कृष्ण आडवाणी केशुभाई पटेल से गले मिलने लगे। इसके बाद मोदी ने अपनी कुर्सी पर पटेल को बिठाया और दूसरी कुर्सी मंगाकर उनके साथ बैठे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक से लेकर आज की इस तस्वीर से मोदी ने एक बार फिर दिखाया कि उनके मन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति पूरा सम्मान है। 2 दिन पहले मोदी ने अस्वस्थ अटल जी को याद किया था। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज सब मीडिया क्षेत्र ना साथियों नो हृदयपूर्वक अहींथी आभार मानु छु अने भविष्य में जरूर आपणे साथे मळीने गुजरात ने देश ने लाभ थाय एवी अनेकविध गतिविधियों ने आगळ धपावीशुं। आपणा गुजरात नो रिवाज छे अने एटले अत्यारे ज्यारे हुं गुजरात छोड़ीने जई रह्यो छुं त्यारे जेम आपणे देखे छे 6 करोड़ गुजरातीओ ने आवजो आवजो गुजरात गुजरात आवजो। तो आप